माननीय नेता प्रतिपक्ष, पहले अपने सदस्यों को बुलाओ ना, अकेला ही काफी हो। पहले अपने सदस्यों को तो बुलाओ, आपका तो नंबर तो सबसे बाद में होना चाहिए। आपके नेता पहले कैसे, आप ओपनर कैसे आ गए हो? सभापति महोदय, आज मैं धन्यवाद देता हूं जो बिजली पे चर्चा हुई और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से बात कही उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में तो जो कुछ हुआ है वो पिछले हमारे समय में ही हुआ है। और अगर मैं दूसरी बात और कहूं कि उससे पहले माननीय सदस्य मंत्री थे बिजली के, ये सारी व्यवस्था कर जाते थे, दिक्कत नहीं होती। तो इसका मतलब ये सारी जो अव्यवस्थाएं इनके इनके समय की थी और यही कारण है कि माननीय सदस्य की इतनी काबिलियत होने के बाद भी अब की बार इनको मंत्री भी नहीं बनाया। हम तो सोच रहे थे बिजली का मंत्री बनाते तो हो सकता है ज्यादा, इतना ज्ञान होने के बाद में भी आप लोग, ये आप लोगों की हालत है। इससे आप सब लोग जो मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हो ना, उससे ये दो चीजें हैं, या तो मुख्यमंत्री जी का निर्णय सही है कि उन्होंने इनके अंदर काबिलियत नहीं देखी, और या फिर इनकी जो काबिलियत है उसका आप लोग उपयोग नहीं करना चाहते हो। पहली बात यह है। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लगाते रहे हैं। बिजली में ही बची थी, इसमें भी जांच की आज आप घोषणा कर देना, बाकी तो सब में कर ही रहे हो आप, मैंने पहले भी कही थी। बात यह है आज जो हालात है ना प्रदेश की, और आज की नहीं है, पिछले 3 महीने से जो हालत हो रही है, किसान दिन भर खेत में काम करता है, शाम को घर पहुंचता है, खाने के समय में लाइट नहीं, मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को घर पहुंचता है, लाइट नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर आम पब्लिक, आम जनता बिजली से जितनी त्रस्त है, इतनी शायद किसी और बात से त्रस्त नहीं होगी। और हालत यह है 8 बजे लाइट जाती है, 7 बजे लाइट जाती है, और पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी का, मंत्री जी ने हम सबको बुलाया, आपने हम सबकी मीटिंग ली, सुझाव मांगे, नतीजा क्या हुआ? नतीजा 0। उस दिन आपने कहा कि बिजली की भी व्यवस्था कराएंगे, सामान की भी व्यवस्था कराएंगे, एक एक महीना होगा, ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे, बिजली की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों को बुरा लगता है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं वो आम जनता को उपलब्ध कराएं। ये कमाई के साधन नहीं है जिसको हम सोच रहे घाटे में। कौन सी आपकी जो कंपनी है जो घाटे में नहीं है बता दो, केंद्र सरकार की बता दो, मैं अभी बता दूंगा सारी। आपके समय में घाटे में नहीं रही हो, हमारे समय में नहीं रही हो, घाटे में रहती है क्योंकि जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, कहां महंगाई कम कर रहे हो आप? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले 1 महीने के अंदर, सबसे पहले मेरे व्यवस्था का प्रश्न भी है, सदन जब चल रहा हो, चलते सदन के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स न लगाया जा सकता है, न घटाया जा सकता है, आम जनता पे न घोषणा की जा सकती है, आम जनता पे आप कोई भी भार नहीं डाल सकते हो, आपने डाल दिया चलते सदन के अंदर। ये हाउस की गरिमा को आप जिस प्रकार से बार बार तार तार करते हो ना, पहले आपको हाउस के अंदर सूचना देनी चाहिए थी, उसके बाद आपके फ्यूल सरचार्ज जो है वो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपको तो कोई संविधान की या विधानसभा की मान मर्यादाओं की कोई आपको वैल्यू नहीं है, आप तो सत्ता के नशा में चल रहे हो, जैसे हाथी मदमस्त होकर चल रहा है ना, ऐसे ही आप लोग चल रहे हो। आपने कहा चुनाव से पहले
कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली है तो राजस्थान में। आपने कहा पूरे देश के अंदर डीजल पेट्रोल राजस्थान में महंगा है, हरियाणा के बराबर करेंगे। कर दिया आपने डीजल पेट्रोल हरियाणा के बराबर। और बिजली के अंदर मैं कहना चाहूंगा, फ्यूल सरचार्ज आपने जनता को थोप दिया, फ्लैट रेट आपने जनता के ऊपर थोप दिए। और यही नहीं, जो नए जो कनेक्शन है जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, आप मेरे से पूछ रहे थे कि आपको सबको सब्सिडी देनी थी तो फार्म क्यों भरवाए। हमने जनता की इच्छा के ऊपर इस योजना को लागू किया था कि जो इसका छूट का लाभ लेना चाहता है वो अप्लाई कर दे, जो नहीं लेना चाहता है वो नहीं करे। आप इसको जारी रखो ना, आप भी कह दो स्वैच्छिक जो लाभ लेना चाहता है वो अप्लाई करे, उसको छूट देंगे, जो नहीं लेना चाहता उसको नहीं देंगे। पर आप लोग ये चाहते नहीं हो, आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है। आपने 2 महीने का बिल 1 महीने में कर दिया। पहले मान लो जो 100 यूनिट की छूट मिल रही थी, 1 महीने में वो 75 की छूट लेता है, 1 में 25 की छूट लेता, उसको लाभ मिलता। आज आपने इस चीज को डायरेक्ट हर महीने का बिल कर दिया। आपने पिछली बार भी हर महीने का किया था, हमारी सरकार ने वापस 2 महीने का किया, आप फिर उसको 1 महीने का करना चाह रहे हो। आपकी मंशा जो है वो जनता के हित में नहीं है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, केबल नहीं है, ये हालत आपके विभाग की बनी हुई। और ऊपर से विभाग का कर्मचारी कोई अगर काम करते हुए उसकी डेथ हो जाए तो डिस्कॉम पल्ला और झाड़ लेता है कि और आपकी मर्जी। ये दूसरा, बार बार कहते हो आप सिर्फ घोषणा करते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, सरकार कोई भी रही हो, पहले हमारी सरकार, आपकी सरकार, फिर हमारी, फिर आपकी सरकार, हमने लास्ट जो बजट किया फरवरी में मार्च के अंदर बजट आया, हमने कामों को सैंक्शन किया, बजट में घोषणा की, उनके वित्तीय स्वीकृति निकाल दी, टेंडर निकाल दिए, वर्क ऑर्डर निकाल दिए, काफी तो काम शुरू हो गए। आपकी सरकार ने एक ऑर्डर ऐसा निकाला 22 दिसंबर के अंदर कि सभी विभागों के सभी कार्य तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। 20-12 को सरपंच अपनी पंचायत का काम नहीं कर सकता, PWD अपनी सड़क नहीं बना सकती, PHD के कनेक्शन नहीं हो सकते, तो आपके बिजली के काम कैसे हो जाएंगे? सारे कामों को तो रोक दिया, फिर एक प्रदेश के अंदर ये मैसेज देना कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, ये काम पूरे नहीं करते हैं, ये हम घोषणाएं करेंगे, हम काम भी पूरा करेंगे। आप बहुत अच्छे, हमारे खोले कॉलेज आपको बुरे लग रहे हैं, आप इस बजट के अंदर फिर घोषणा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? जब आपको लगता है कि हमने ज्यादा कॉलेज खोल दिए, ये स्थिति सरकार की है। तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो नए कामों पे जो रोक लगाई है ना, सरकार को संज्ञान में लेके तुरंत इसको रोक को हटाना चाहिए। और हालत तो ये है, कर्मचारियों की तनख्वाह कल शाम को 5 बजे आई, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हालत इस सरकार के बन रहे हैं, जो आप और लोगों को जो ज्ञान दे रहे हो ना, वो बात मैं कहना चाह रहा हूं। मैं बिजली के लिए जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में, झालावाड़ में, ये जिन जगह के जो मैं नाम ले रहा हूं, जिन जगह के आप बैठो, मेरा सभापति जी, आपस में आपसे निवेदन है, और पूरे सदन का ये प्रस्ताव है, पूरे सदन का ये प्रस्ताव है कि देवनानी जी को मंत्री नहीं बना पा रहे, तो इनके साइलेंसर तो लगा दो, कम से कम आवाज तो कम हो जाए। दिन भर वहां बात करते हैं, जब भी डिस्टर्ब करते हैं हाउस को। आपके जोधपुर, बीकानेर, नागौर, झालावाड़, इसमें BJP के कार्यकर्ता और बिजली के कर्मचारियों के अंदर मुठभेड़ हुई है, झड़प हुई है आपस में। और दूर क्यों जाते हो? हमें भी आप लोगों ने डिनर पे बुलाया था राज्यपाल महोदय के सम्मान में, मैंने देखा आपके सदस्य वहां CM के प्रोग्राम के अंदर जो बिजली के अधिकारी थे उनके कपड़े पाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। ये तो आप लोगों की हालत, ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। चित्तौड़ से आते हैं, मैं बता दूंगा, चित्तौड़ जिले के सदस्य, मैं बता दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता सदन के अंदर, मैं कभी भी मिथ्या तथ्य पेश नहीं करता, जो हकीकत है वो ही कहता हूं। अपने गिरेबान में झांक के देख लो, आप खुद की हालत है।
आप खुद क्यों नहीं समझ रहे हो? सबके पास फोन आते हैं, आप अगर किसी को भय हो ना, अभी 8 बजे आपका फोन मेरे को दे देना, मैं बता दूंगा फोन किस चीज के लिए आ रहे। सिवाय बिजली के अलावा कोई फोन नहीं आ रहे। रात को देर रात तक फोन आते हैं, आप लोग बंद करते हो तो आपकी मर्जी है, आपके अधिकारी तो बंद कर लेते हैं। हकीकत है प्रदेश की, पूरी जनता कह रही है। अब विधानसभा में यहां बैठे हो, क्षेत्र में जाओगे जब पता चलेगा जनता आप लोगों को क्या कह रही है। वो तो मैंने बता ही दिया था, जो ट्रिपल इंजन की सरकार थी छत्तीसगढ़ की, और मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, फिर अगले दिन आपने ट्वीट कर दिया कि भाई ये तो पहले ही एमओयू हो गया था गलती से। अच्छा पहले एमओयू हो गया तो फिर जुलाई में ट्वीट क्यों कर रहे हो आप? यही बात समझ में नहीं आई। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पहले आपकी दिल्ली की सरकार है वो कोई काम नहीं कर पाए, नेहरू जी की गलती है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी पिछली सरकार की गलती है। क्यों भाई, कब तक पिछली सरकार को कोसोगे? हमारे चाहिए, कोरोना आया और वो जो कह रहे थे ना कि आपके टेम्परेचर 45 रहा, हमारे में भी अधिकतम टेम्परेचर रहा, अधिकतम सर्दी रही, कोविड रहा, लेकिन बिजली के लिए परेशानी राजस्थान की जनता को हमने नहीं आने दी। और पहली बार ऐसा हो रहा है, एक ऐसी सरकार है गूंगी भैरी, चाहे विधानसभा में बोल लो, चाहे टीवी अखबार में छपवा लो, चाहे जनता आपके कार्यालयों पे प्रदर्शन कर ले, चाहे कलेक्टर के प्रदर्शन कर ले, सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही, कोई जू तक नहीं रेंग रही। और ये जो दिन की बिजली, दिन की बिजली की बात कर रहे हो ना, मैं आता हूं, दिन की बिजली हमारी वजह से आप दे रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पूरा राजस्थान, पूरे देश में नंबर वन हम लेके आए हमारे समय में, जिसकी वजह से दिन की बिजली आ रही है। और अभी मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जो बात रख रहे थे एमओयू, एक दिन में हो जाता है एमओयू? जिस कुसुम योजना की आप बात कर रहे हो, जिसके एमओयू की बात कर रहे हो, एक दिन में हो जाता है एमओयू? सारी फाइलें, सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस हमारे समय का चल रहा है। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, हमने लोगों को मदद की, फ्री बिजली देके, बिजली के अंदर छूट देके, ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए। जो बार बार आप घाटे की बात कर रहे हो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 22-23 में देश के अलग अलग राज्यों को, डिस्कॉम्स को 68,832 करोड़ का घाटा हुआ है, जो कि 21-22 की तुलना में ज्यादा है। केंद्र की भाजपा सरकार के भी 5 साल यानी 17-18 से 20-22 तक में पूरे देश के डिस्कॉम का घाटा 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। आप जो बार बार पिछली सरकार कह रहे हो, और 17-18 में ये 56,206 करोड़, 18-19 में 80,179 करोड़, 19-20 में 60,231 करोड़, 20-21 में 76,899 करोड़, 21-22 में 16,570 करोड़, और 22-23 में 68,832 करोड़ का घाटा हुआ। तो जब पूरे देश में कोई डिस्कॉम घाटे से नहीं बच पाया तो राजस्थान भी नहीं बच पाता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, ये घाटा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने कहा, आप लास्ट में जवाब दो तो बता देना, आप लोगों ने कहा क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं, उन्होंने फॉरेन में ले ली कोयले की माइंस। भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि 10% कोयला विदेश से लेना पड़ेगा, इंडोनेशिया ए है, ए वन की कंपनी से लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को फायदा पहुंचाना है। अरे देश में कोयला खूब है, हमारे पास खूब है, वो घटिया क्वालिटी का कोयला और महंगा कोयला आप खा रहे हो, खाने वाले आप खा रहे हो, खाने में कोई कमी आप लोगों ने नहीं छोड़ रखी है, ये बात मैं बताना चाहूंगा। और राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, लॉसेस तो आते हैं ना, कहां बाड़मेर जैसलमेर, कहां हनुमानगढ़ गंगानगर, कहां धौलपुर, पूरा बॉर्डर इतना बड़ा है, पर देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो और जगह से अलग है। इस बात से मैं कहना, आप बार बार उदय योजना का जिक्र करते हैं, अभी भी हमारे बाली से आने वाले पूर्व सदस्य ने भी जिक्र किया, ये पहली बार नहीं हुआ है कि अपने कंपनियों को जो उनका जो कर्ज है उसको माफ किया हो या सरकार ने उसको टेक ओवर किया हो। 2002 के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज बिजली कंपनियों को दिया था, 2012 में भी फाइनेंशियल
रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज में 56,908 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 2015 में उदय योजना में 2.3 लाख करोड़ का पैकेज दिया। 2020 में लिक्विडिटी इक्विजन स्कीम में 1.35 लाख करोड़ का पैकेज दिया और 2022 में भी रिवेम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में 97,631 करोड़ रुपए पैकेज बिजली कंपनियों का दिया, क्योंकि बिजली का बनाना वितरण होना अनवरत प्रक्रिया है, इसलिए घाटा और कर्ज इसके अंदर बढ़ता रहता है। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। मैं सारी चीज़ें अभी मैं कुछ टेबल भी कर दूंगा, क्योंकि समय की काफ़ी दिक्कत है। और हमारी सरकार को, केंद्र सरकार ने जो निर्देशित किए बिजली सुधार लागू किए थे, इसलिए ही FRBM में हमें 0.5% लोन की एक्स्ट्रा छूट मिली जो नियमों के तहत थी। तो आप कैसे कह सकते हैं हमारा मैनेजमेंट सही नहीं था, ये बात मैं कहना चाहूँगा। बजट चर्चा के दौरान हमारी अजमेर दक्षिण से जो माननीय सदस्य आती हैं, आपने ये बात कही कि रिन्यूएबल एनर्जी का राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहूँगा फरवरी 2023 के अभिभाषण के बिंदु संख्या 51 में रिन्यूएबल एनर्जी पर स्पष्ट लिखा है कि 2018 से अब तक 11,727 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 132 पवन ऊर्जा संयंत्र एवं 1690 मेगावाट के हाइब्रिड संयंत्र स्थापित किए गए। ये खुद यहीं पे कहा गया है। आप पता नहीं कहां से बातें ले आते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा, कॉपी है मेरे पास। और माननीय सदस्य कह रहे थे कि 1000 मेगावाट की क्षमता भी हमारी सरकार ने विकसित की। मैं बताना चाहूंगा हमने दिसंबर 23 तक 15,195 मेगावाट की क्षमता विकसित की थी। केवल एक साल 21-22 में ही 5,248 मेगावाट की क्षमता विकसित की। ये दिसंबर 23 तक राजस्थान में सोलर क्षमता 15,195 मेगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता 4,442 मेगावाट, हाइब्रिड एनर्जी 1,690 मेगावाट, बायोमास एनर्जी की क्षमता 128 मेगावाट प्रदेश में मौजूद है, जो कि कुल मिलाकर पूरे देश में सबसे अधिक है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ग्लासगो की COP समिट में 2021 में बोलकर आए कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसके भी सबसे ज्यादा लक्ष्य उन्होंने राजस्थान को दिए, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, इसलिए इसको ज्यादा लक्ष्य देंगे जो समय पे पूरे होंगे। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और हमारी सरकार जैसे ही बदली ना, तो जो लक्ष्य 2030 तक का था ना, अब आप लोगों को 2 साल का तो वैसे दे दिया, वो 32 का कर दिया कि ये नहीं कर पाएंगे, 2 साल इनको एक्स्ट्रा दो। ये आप लोगों की हालत है। मैं जो बिजली की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसी सदस्य ने आरटीआई लगाई है भरतपुर की, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की, वहां कोई कटौती नहीं, तो वहां व्यवस्था हो सकती है माननीय मंत्री जी, तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ये भी टेबल कर दूंगा आरटीआई, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बिजली की ज्यादा जरूरत है क्या? और प्रदेश के लोगों की हालत ये बता दो। ये मैं वो GSS बता देता हूं, जहां ये सारा जो मामला है, ये जिगाना, सेंथारा, गाना, ठीक हो गया, ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पूरे प्रदेश की जो जनता है ना, सबके मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मत करो, अन्याय मत करो, प्रदेश प्रदेश की जनता को बांटो मत। माननीय सभापति जी, मैं भी इतनी वर्षों से इस विधानसभा में आ रहा हूं, परसों विधानसभा के अंदर बिजली चली गई, परसों SMS हॉस्पिटल के अंदर बिजली चली गई। ये हालत है इस सरकार का इकबाल है। तो एक मिनट के लिए गई हो गई है, वो तो जनरेटर चल गया, यहां कोई मोमबत्ती के इंतजार में बैठते क्या? हद होगी आपके आगे। धन्यवाद।
महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये मेरे मित्र इधर उधर की बातें न कर ये बताओ बिजली तंत्र का भट्टा किसने बैठाया, ये मेरे मित्र ये बताओ।